बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके साथ जे एम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर के हाजिर है जिसका ताल्लुक टीचर्स हजरात के धरने और उनके मुतालबात मनवाने के लिए जो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया हुआ था उसके बारे में। कल जो अभी 10 तारीख को 10/6/2020 को कमेटी नंबर 2 के अंदर जो नेशनल असम्बली इस्लामाबाद है उसमें जो टीचर्स और दूसरे मुलाजमीन और उसके साथ जो हुकूमती नुमाइंदे थे उनका कुछ पॉइंट पर इत्तेफाक हुआ और टीचर ने धरना मौकर करने का भी ऐलान किया। तो यकीन दहानी जो कराई गई उसमें वो पहली चीज़ जो थी कि जो मुलाजमीन की पेंशन है वो ख़त्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है और ना मुलाजमीन की जो ग्रेजुएटी है जो उनको रिटायरमेंट के बाद मिलती है उसको ख़त्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है और ना ही जो सालाना इंक्रीमेंट है उसको पर्सनल अलाउंस या उसको बिल्कुल ख़त्म करने की जो है वो कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। तो इसके अलावा जो चौथी चीज़ इसके अंदर थी कि जो 55 साल की उम्र तक जो है ना वो रिटायर करने की एक बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये भी चीज़ जो है ये मद्देनज़र नहीं है। तो उसके अलावा जो पांचवी इसमें चीज़ आई थी कि जितने भी टीचर के मुतालबात हैं उस पर कमेटी जो है वो तश्कील दे दी जाएगी और कमेटी की जो सिफारशात हैं उस पर अमल किया जाएगा, खासकर ये पे और प्रोटेक्शन के जो मामलात हैं उन पर भी जो है कमेटी तश्कील दी जाएगी और कमेटी की जो तजावीज़ हैं जो सिफारशात हैं उन पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा दीगर जो टीचर्स के मसाइल हैं उन पर भी गौर किया जाएगा। तो गालबन शायद इसमें सूरी साहब जो हैं वो डेप्टी स्पीकर जो है ना वो आए थे मुज़ाकरात में अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने यकीन दहानी की करवाई है कि सारे जो टीचर्स हैं ये जो मुलाजमीन हैं उनके हकूक़ के तहफ़ और उनकी जितनी जो है वो मुतालबात हैं उनको एक कमेटी की सिफारशात के ज़रिए जो है उन पर अमल करवा के उनको जो है ना वो रिलीफ मुहैया किया जाएगा। तो ये बात आपसे करनी थी, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कल के धरने का जो है ना वो इख्तिताम हुआ है, अभी मौखर कर दिया टीचर ने और ये जो मुतालबा 4-5 जो बड़े बड़े मुतालबात थे तो उस पर जो है ना वो यकीन दहानी कराई गई है कि कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। टू लिसन द वीडियो।